हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम शेज़वान नूडल्स बनाएंगे। बहुत डिलीशियस लगते हैं और नूडल्स किसी भी फ्लेवर में हो अच्छे लगते ही हैं। इन नूडल्स को हम घर में ही जो भी किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे ही बनाएंगे। तो बिना किसी देरी के देखते हैं नूडल्स की रेसिपी को। सबसे पहले नूडल्स को बॉयल करेंगे। किसी बड़े बर्तन में पानी ले लेंगे। मैंने ये 2 लीटर पानी लिया है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, चला लेंगे इसको। जब पानी बॉईल होने लगेगा इसमें इस तरीके से नूडल्स डाल देंगे। नूडल्स को पानी में डिप कर लेंगे और इस तरीके से फॉर्क की हेल्प से नूडल्स को अलग कर लेंगे। नूडल्स को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस 80% तक ही इसको बॉईल करेंगे। देखिए, गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। इसको बॉयल होने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। नूडल्स देखिए एकदम अलग अलग हो चुके हैं, इनको भी चेक कर लेंगे। ये देखिए नूडल्स बॉयल हो चुके हैं। इससे ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, नहीं तो नूडल्स बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएंगे। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको किसी स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और अच्छे पानी से इसको वॉश कर लेंगे। ये देखिए नूडल्स को मैंने अच्छे पानी से धो लिया है। नूडल्स आप देख सकते हैं एकदम अलग अलग हैं, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। इनमें मैं थोड़ा सा ऑयल लिए ऐड कर रही हूँ, टोटली ऑप्शनल है। आप चाहे तो ये स्टेप कीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इससे जो नूडल्स हैं वो एकदम अलग अलग रहेंगे, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। इस तरीके से आप देख सकते हैं नूडल्स बनने के लिए एकदम रेडी हो गए हैं। इनको साइड में रख देंगे और सब्जियों को देख लेते हैं जो भी हम नूडल्स बनाने में यूज़ करेंगे। सब्जियों में मैंने ये लाल वाली शिमला मिर्च ली है, आपके पास है तो कट कर लीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। ये थोड़ा सा प्याज है, इसको भी कट कर लिया इस तरीके से पीसेस में। ये स्प्रिंग अनियन है, इसको भी इस तरीके से चॉप कर लिया है। ये अदरक लहसुन को मैंने ग्रेट कर लिया है और हरी मिर्च इसको कट कर लिया है। ये पत्ता गोभी, इसको भी इस तरीके से कट कर लेंगे। ये हरी वाली शिमला मिर्च है, इसको भी इस तरीके से मैंने पीसेस में कट किया है। सब्जियों को पहले से ही कट करके रख लेंगे। ये कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डाला है मैंने, इसको इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। थोड़ा सा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्च सॉटे करेंगे थोड़ा सा। ये जो चॉप अनियन था उसको डाल दिया है। गैस का फ्लेम हाई रखना है और इसको 30 सेकेंड तक ही केवल रोस्ट करेंगे। इस तरीके से चलाते रहेंगे प्याज को। यहाँ पे ये पत्ता गोभी, इसको भी डाल देंगे और 30 से 40 सेकेंड तक इसको भी रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। देखिए यहाँ पे ये शिमला मिर्च, ये लाल वाली शिमला मिर्च, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। सब्जियों को 10 से 20 सेकेंड तक और रोस्ट करेंगे और शिमला मिर्च को आपको सबसे लास्ट में ऐड करना है, नहीं तो ये अपना टेक्सचर लूज़ कर देगी और अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा। देखिए सब्जियां रोस्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर 1 टेबलस्पून ये विनेगर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून ये चिली सॉस है, 1 टेबलस्पून ये टमेटो सॉस। ये शेज़वान चटनी है, क्योंकि हम शेज़वान नूडल्स बना रहे हैं तो इसको ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे इसको 2 टेबलस्पून ले रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सॉसेस को। इसको 20 to 30 सेकेंड के लिए कुक करना है। इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे और गैस के फ्लेम को हाई रखना है। यहाँ पे जो बॉयल नूडल्स थे वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ये सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा ये चाउमीन मसाला, 1 टीस्पून ये काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा ये स्प्रिंग अनियन। अच्छे से मिक्स कर लेंगे नूडल्स को सॉसेस के साथ में। एक बार इसी तरीके से आप नूडल्स ज़रूर बना के देखिए, बहुत अच्छे नूडल्स बनते हैं। जैसे एकदम मार्केट में मिलते हैं ना नूडल्स, एकदम उसी तरीके से, इसी तरीके से अच्छे से चलाते रहेंगे नूडल्स को। अच्छे से मिक्स करना है सॉसेस के साथ में। देखिए
अच्छे से मिक्स हो चुके हैं नूडल्स। नूडल्स सर्व करने के लिए एकदम रेडी हैं, इनको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे नूडल्स बने हैं, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, एकदम अलग अलग नूडल्स हैं। आप भी इनको इसी तरीके से बहुत इजीली बना सकते हैं अपने घर पे ही। देखिए, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन से इसको गार्निश करेंगे। विद इन 10 to 15 मिनट में आप इन नूडल्स को बना के किसी को सर्व कर सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। आप भी इन नूडल्स को बनाइए, खाइए और जो भी आपका एक्सपीरियंस हो आके ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।